discuss something new which has been introduced by only one of the companies of automobile, that is Nexa Loyalty Card. Nexa Loyalty Card, what does it mean? Nexa Loyalty Card. First of all, जैसे हम लोग जाते हैं ना आजकल शॉपिंग मॉल में कहीं पे भी, तो हम लोग को एक कार्ड मिलता है जिसमें हम लोग रिवॉर्ड्स पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स हम लोग कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज हम लोग को रिवॉर्ड में आता है, रिटर्न बैक आता है, उसको हम बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसा पहला ऐसा कंपनी है ऑटोमोबाइल में जो नेक्सा ने इंट्रोड्यूस किया, वो होता है लॉयल्टी का, जहाँ पे आप उसको रिडीम कर सकते हो एंड रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप गाड़ी कभी खरीदते हो, ये नया गाड़ी खरीदते हो, तो एट दैट मोमेंट आप वो कार अपने आप अपने नाम में ये कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, मोबाइल अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर में वो आता है। आप जब परचेस करते हो आफ्टर 30 डेज वो आपके होम डिलीवरी एड्रेस पे वो पहुंच जाता है, तो उस कार को आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे आप जानते हो कि स्टारबक्स जैसा एक कंपनी है, आप उसका कार एक्सेस कहीं भी कर सकते हो। जैसे प्रीमियमली हम लोग एयरपोर्ट्स पे देखते हैं स्टारबक्स का एक होता है प्रीमियम लॉन्च, वहाँ पे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हो। वैसे नेक्सा कार के लिए भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्सा प्रीमियम लॉन्च आपको दिल्ली के टर्मिनल 3 में मिलता है, जहाँ आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डायरेक्टली फ्री एक्सेस मिलता है, प्लस आप वहाँ पे कोई भी लाइट स्नैक्स एंड बीवरेजेस भी यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्सा प्रीमियम कार का लॉयल्टी कार का फायदा ये है कि आप जब कोई भी इंश्योरेंस कराते हो उसमें भी आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलता है। आप जब गाड़ी कोई भी एक्सचेंज कराते हो नेक्सा का, कोई भी ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन के साथ एक्सचेंज करते हो, तब भी आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलता है। अब कितना मिलता है वो मैं आपको डिटेली बाद में बताता हूँ। उसके बाद इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, पहला सबसे पहला चीज हमको मालूम होना चाहिए इसको कहाँ कहाँ हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जब भी हम लोग सर्विसिंग करने आते हैं तब ये कार्ड हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ बिलिंग जब हम बिल होता है तो हम तब बता देते हैं कि हम हमारे पास नेक्सा कार्ड है, तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वहाँ पे पॉइंट्स आपका रिवॉर्ड्स हो सकता है, बाद में जब आप नेक्स्ट सर्विसिंग में आएंगे आप उसको रिडीम कर सकते हैं। मीन्स आपका कुछ भी अमाउंट हुआ है तो पॉइंट्स के हिसाब से माइनस हो सकता है। जैसे अभी कहा गया है कि 1.075 पैसे में काउंट किया जाता है। और कैसा फैसिलिटीज है, आप किसी भी आपके रेफरल में और कोई भी गाड़ी खरीदता है तो उसमें भी आपको रिवेट पॉइंट्स मिलता है, उसको भी आप रिडीम कर सकते हो। जब कोई भी आपके नाम में आपके रेफरल में गाड़ी खरीदता है तो आपको वहाँ पे 1400 पॉइंट्स मिलता है, इक्विवेलेंट 1050 रुपीज आपको मिलता है रिवॉर्ड पॉइंट्स। उसके बाद रहा जब आप एक्सचेंज करते हो कितना पॉइंट्स मिलता है, वो अराउंड 6000 पॉइंट्स मिलता है, मीन्स 6000 रुपीज मिलता है। पॉइंट्स में उसको कन्वर्ट किया जाए तो वो 8000 पॉइंट्स में कन्वर्ट होता है। और ये भी है जब आप कुछ भी खरीदते हो, जैसे अभी हम लोग आजकल यूज करते हैं फोन पे गूगल पे, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि आप कुछ खर्चा करें हमको रिटर्न में कुछ भी मिल जाए, कुछ भी पॉइंट्स। जैसे हम लोग यूज करते हैं, अभी हम लोग 100 रुपए का किसी को भी पेमेंट करते हैं हमको 5-6 रुपए का कैशबैक आता है, वैसे ये भी फैसिलिटीज है। हम जब कोई भी हम लोग रेफरल करते हैं या कोई चीज खरीदते हैं, जितने बार भी हम लोग सर्विसिंग में जाते हैं तो हमको रिटर्न पॉइंट्स मिलता है उसको। अभी तो आजकल की डेट में हर जगह डिस्काउंट का सिस्टम ही बंद हो चुका है, वहाँ पे अभी क्या आ चुका है न्यू वे ऑफ डिस्काउंट, पॉइंट्स आपको रिटर्न बैक मिलता है, वो वन टाइप ऑफ डिस्काउंट ही है। आजकल डिस्काउंट के ऊपर कोई बिलीव नहीं करता है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। और रहा जैसे हम लोग कैशबैक पाते हैं, और एक चीज बहुत ही बेहतरीन फायदा है, जब ये कार खरीदते हो एट दैट मोमेंट आपको 150 रुपीज या 200 पॉइंट्स बोनस में ही मिल जाता है, प्लस ये पॉइंट्स आप किसी भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके लिए ये पैन इंडिया फैसिलिटी अवेलेबल है, एंड आप इस कार का बहुत सारा फैसिलिटीज है। जैसे आप एक प्रीमियम फैसिलिटीज होता है ना, प्रीमियम फैसिलिटीज होता है, जैसे आप जैसे भी बड़ा ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, जैसे मर्सिडीज हुआ, बेंटली हुआ, ये सब क्या है ना, अपना अपना एक क्लब है। तो नेक्सा का भी ऐसा एक प्रीमियम क्लब है जहाँ पे आप डायरेक्ट मेंबरशिप पा जाते हैं इस कार को आप जब खरीदते हैं। ये कार का कोई ऐसा हाई कॉस्ट नहीं है, 1160 रुपीज में ये कार आपको अवेलेबल हो जाता है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अ न्यू व्हीकल ऑफ नेक्सा। अब ये चीज ऐसा है कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है, जैसा हम लोग LIC पॉलिसी है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ऐसा ये भी है। कार हो आपके पास या ना हो या दूसरा कार खरीद लो, ये कार्ड आपके पास रहेगा, ये कार्ड आप हमेशा यूज कर सकते हो। ये कार्ड आपको बार बार नहीं खरीदना पड़ेगा, एक ही कार्ड में आप जितना बार भी
यूज करते हैं, इसमें आपका पॉइंट्स बढ़ता है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, इसमें पॉइंट्स जितना ज्यादा गेन कर सकते हो, इसमें अब फैसिलिटीज आपको मिलता है, माने इनडायरेक्टली डिस्काउंट मिलता है, बिना मांगे कुछ मिल जाए तो ये वो फैसिलिटी है। आप डिस्काउंट के लिए जाते हो, कहीं पे रिक्वेस्ट करते हो कि मेरे को डिस्काउंट दे दो, ये दे दो, रिक्वेस्ट मोड में आता है, यहाँ रिक्वेस्ट नहीं, यहाँ तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्काउंट आ जाएगा। जब आप कहीं भी कोई नेक्सा सर्विसिंग कराते हैं तो वहाँ पे आपको 3.5% का ट्रांजेक्शन के ऊपर रिटर्न बैक मिल जाता है। तो आप सोचिए ना, आप जब 10 बार सर्विसिंग कर लेते हो तो कितना सारा पॉइंट्स कलेक्ट हो गया, तो आप एक सर्विसिंग आपका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। इतना सारा फैसिलिटीज वो भी ऐसा पहला ऑटोमोबाइल कंपनी है जो दे रहा, बाकी कंपैरेटिवली है बट इंटरनेशनल लेवल में है, अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। तो आपको इंटरनेशनल फैसिलिटीज पहला ऐसा कंपनी है इंडिया में जो दे रहा है, वो होता है नेक्सा। सब कुछ पहले ही कस्टमर को दे रहा है फैसिलिटी, इसी के लिए मैं सभी SM को रिकमेंड करूंगा, इसको कस्टमर को रिकमेंड करें, इसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा है, कस्टमर अपने हिसाब से अपना प्रीमियम फायदा उठा सके, कस्टमर अपने आप को एक क्लास मेंटेन करने में, जैसे नेक्सा का गाड़ी में क्लास होता है ना, ये कार्ड यूज करने से तो वो क्लास आ जाता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।